ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के आबाई शहर करमान में जनाजे के जलूस में भगदड़ मचने से 35 शुरका जां बहक जबकि 50 से जायद जख्मी हो गए। जनवरी को इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट पर अमरीकी रॉकेट हमलों में हलाक होने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा इनके आबाई शहर करमान में अदा कर दी गई। कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक सोगवारान ने कासिम सुलेमानी की तस्वीर वाले पोस्टर्स और ईरानी झंडे थाम रखे थे। इस दौरान जनाजे के जुलूस में भगदड़ मचने और दम घुटने से दर्जनों शुरका जां बहक और जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रहे हैं। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है जिसके बाइस हलाकतों में इजाफे का खदशा है।